ये आज हम बनाते हैं मक्के के पापड़। इसके लिए हमने पानी लिया, मक्के का आटा, चाट मसाला, नमक, थोड़ी सी हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे और थोड़ा सा ही हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पानी गर्म होने रख दिया है, जब उबाल आ जाएगा तो हम आटे को डालेंगे। खूब अच्छे से पकाएंगे आटे को। ये हम जीरा और अजवाइन डाल देते हैं, धीरे धीरे करके आटा डालते हैं। करीब आधा किलो आटा है, पानी और कम पड़ता हो डालते रहिएगा। इसको अच्छे से लगिए। इसमें प्लेट में तेल लगा के हमने निकाल लिया। अब हम एक अच्छे से प्लास्टिक साफ करके बिछाएंगे, उस पर गोल गोल पेड़े बना के प्लेट से दबा देंगे। हम अपना उन सभी ऐसे गोले बना लेंगे। इसको मैंने साफ कर लिया है। सभी गोलों को ऐसे बना के एक प्लेट लेंगे, उसके पीछे तेल लगा लेंगे और इसको दबा देंगे ऐसे। टेस्ट के अनुसार थोड़ी हम लाल मिर्ची डालेंगे इसके अंदर, इससे पापड़ों का टेस्ट अच्छा आएगा। और इसी में हम दो चम्मच के जितना तेल डाल देंगे। करीब आधा किलो में सवा किलो डेढ़ किलो पानी गिरेगा। और खूब अच्छे से पकाइए इसे, जैसे कि हम रोटी का आटा गूंथते हैं इस टाइप से हो जाए, एकदम से पेड़े टाइप से कम 15 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। तो चलिए पकाते रहिए। मक्के के पापड़ बन चुके हैं। हमारी बाजी ये बना रही है, एक दोनों ने हमने मिल के बनाए हैं। आप तेल देना। हाँ बाजी, अच्छे से बन गए ना। अभी 2 दिन लग जाएंगे सूखने में पंखे के नीचे। अगर आप धूप में रखना चाहें तो वो 1 दिन में ही सूख जाते हैं, लेकिन अभी धूप की यहाँ व्यवस्था है नहीं, तो हम इसको पंखे में ही सुखाएंगे। चलिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और जब ये सूख जाएंगे तो मैं आपको तल के भी बताऊँगी। ये मुन्ने से बच्चे हैं इन पापड़ों के, और सब बन गए हैं। पापड़ अब्बा, पापड़ अम्मी, पापड़ बच्चे सब बन गए हैं। चलिए मिलते हैं नई रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।